भारत के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर कितने इंपॉर्टेंट है ये हमारे सभी मित्र देशों को पता है, क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिफॉर्म हो और टेबल के ऊपर भारत को भी सीट मिले। अब ऐसे में वो दोस्त ही कैसा जो आपकी मदद के लिए सामने नहीं आए। तो मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत के लिए आवाज उठाई है। दरअसल यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर गर्गश इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर हर साल रायसीना डायलॉग्स नाम की एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर जयशंकर सर को फॉरेन कंट्रीज इन्वाइट करती हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज में वो लगातार जाकर डिबेट और डिस्कशंस करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी एक ऐसा ही मंच है और रिसेंटली जयशंकर सर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जर्मनी गए थे। सेम इसी तरह से भारत में रायसीना डायलॉग्स का मंच है, जहाँ पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, कई बार तो पीएम और प्रेसिडेंट्स तक को इन्वाइट किया जाता है। इस मंच के ऊपर ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात होती है, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाता है, और इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। अब हुआ क्या कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं, वो रायसीना डायलॉग्स में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे, भारत में यूएई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिप्लोमेटिक एडवाइजर एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट होता है, जो अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को लगातार ब्रीफ करता है कि सामने वाले देश के साथ संबंधों को किस तरह से मजबूत करना है या फिर अपने देश के इंटरेस्ट का ख्याल किस तरह से रखना है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, अनवर गर्गश जब रायसीना डायलॉग्स में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे, मंच के ऊपर आए तो वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर भी उस समय प्रेजेंट थे और उन्होंने उनका स्वागत किया। अब हुआ क्या कि यूएई का पक्ष रखते हुए अनवर गर्गश ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का मुद्दा उठाया और भारत को सपोर्ट करते हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोली, जिनसे टर्की और पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगने वाली है। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक रूप से ग्लोबल प्लेयर और सुपर पावर बनने की कगार के ऊपर आ गया है, यानी भारत सुपर पावर बनने के बहुत ही करीब है, इसलिए भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर के ऊपर होना ही चाहिए। यूएई की तरफ से उन्होंने कहा कि अभी का जो मौजूदा ग्लोबल सिस्टम इस समय चल रहा है वो काफी पुराना हो चुका है, जिस वजह से हमें दर्द और पीड़ा उठानी पड़ रही है। यूक्रेन और गाजा के मुद्दे के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो लगाए गए उनसे पता चलता है कि आप एक राय बना ही नहीं पा रहे हैं। और अगर मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर नजर डालें तो हम इस बात से काफी चिंतित हैं कि जो ये सिस्टम है वो क्या अपने आप को रेगुलेट कर पाएगा, क्या सिचुएशन को नियंत्रित कर पाएगा। यूएई ने कहा कि इस वजह से डेवलपिंग देशों द्वारा अभी के ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव करने की लगातार मांग की जा रही है। भारत और ब्राजील जैसी इकोनॉमिक पावर हाउसेस को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने की मांग उठ रही है, जो कि जमीन की सच्चाई से पूरी तरह से अवगत है। इसके साथ ही यूएई के डिप्लोमेटिक एडवाइजर ने हाल ही में बने भव्य मंदिर को याद करते हुए ये भी कहा कि भारत यूएई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जब साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने शेख मोहम्मद से मंदिर के लिए जमीन की रिक्वेस्ट की थी, उस समय शेख मोहम्मद को हाँ बोलने में 5 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी की मांग मान ली। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी की रिक्वेस्ट के ऊपर मंदिर के लिए 27 एकड़ की जगह दी थी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसके लिए एक पैसा नहीं लिया गया। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में इस समय भारत का सबसे करीबी जो देश है, जिसको भारत का मित्र देश भी कहा जा सकता है, वो यूएई है।